आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां महाराष्ट्र के मुंबई से भिवंडी से पहुंचे प्रयागराज प्रवासी मजदूर मुंबई के भिवंडी लूम में काम करते हैं। उनको वहां के मालिक ने एक लोडिंग गाड़ी करके भेज दिया। एक गाड़ी के अंदर 50 लोग कैसे बैठे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी सीमाएँ कैसे लाकर प्रयागराज तक ये पहुँचे, अर्थात कैसे प्रवेश किया प्रयागराज में। कहने का तात्पर्य है कि क्या रास्ते में किसी भी प्रदेश में इनकी मायने में इनको ना ही रोका और भगवान भरोसे इनको आगे जाने देते गए, परंतु प्रयागराज में इनको महाराणा प्रताप चौराहे बॉयज़ हाई स्कूल में इनको अभी रोका गया है। प्रयागराज प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी सजग है कि जो भी लोग बाहर से किसी भी माध्यम से आ रहे हैं उनको तत्काल रोका जाए, पूछा जाए और उनको सुविधा मुहैया कराई जाए और उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाए। ये प्रक्रिया जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी के माध्यम से निरंतर चालू है। प्रयागराज से अनवर खान की रिपोर्ट। कहाँ पे काम करते थे, कहाँ से आ रहे हो? भिवंडी से। किसके यहाँ काम करते थे? वो बीपी सेट कर दी। किस चीज का काम? वो कपड़ा लाइन, हम लोग चेक कपड़ा। तो इतने लोग इसमें भर के कैसे आ गए? हमारा परिवार है, परिवार से आए थे। नहीं पूरा, कितने लोग? पूरा मतलब अभी वहाँ इलाहाबाद पर भी है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा अमर। भिवंडी से? सीधे भिवंडी से यही आ रहे? जाँच उठ हुई है तुम लोगों की? नहीं, यही जाँच हो रही है। ये कहाँ आए हो मालूम है? इलाहाबाद। क्या नाम है? राम प्रसाद। भिवंडी के रहने वाले हो? नहीं, रहने वाला हूँ गाजीपुर का। अच्छा, भिवंडी काम करने गए? हाँ, नौकरी करने गए थे, ड्यूटी करने। चलो अंदर है भाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब।